दरवाजे पे दस्तक दे, अकल किसी अनजानी राह चल निकले। इश्क जो दिल दरवाजे पे दस्तक दे, अकल किसी अनजानी राह चल निकले। पीछे हवा के भाग भाग, रातों को जाग जाग, दीवानगी न चाहे रे। इश्क समंदर, इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा, इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला, इश्क सुनहरा। सुने सियासत च भी हुने दा पाऊं अमल दखल है। हाँ शायद तुसा जान दे नहीं वे के सियासत सियासत ता तस्बीहां दे दाणियां दी तरह साडी उंगलियां ते फिर दी रहंदी है। अच्छा ठीक है, जीवें तुसा आखसो ना मैं बिल्कुल उवें करे सां। तुसा दसो क्या करने हैं? तो शादी करे थे ना बेगम, तू जान दी है जिशान बुखारी ने साकू अपने घर आवण तू क्यों मना किते? तुसा बेहतर जान देवे सही। जी अम्मी तुसा बिल्कुल ठीक आदे पियो। जाहिर है सारा एक अपना अंदाज जे मामन उठण दा, ते वल मजहब दे बारे च उंदा रवैया बड़ा अजीब गया है। ज़ाहिर है असां उंदी तरह जिंदगी को बेरहमी दी नज़र नाल नहीं देख सकते। केड़े ख्याल हैं गुम में? ये तो ख्याल तो बगैर भी गुम रहंदे। ए कलम केंदा है ऊं छवेदा जड़ी इंदे नाल खड़ोती आई उन्हें सरमत ओ छवेर हाई कौन? पता नहीं कोई तो पता उसी क्या करें दिए लिख दी। क्या लिख दिए? दादी हाँ हाली मेरे को पढ़ना है लिखना है सीखना है समझना है बहुत कुछ करने है जिंदगी च। मैं शादी करन हाली अफोर्ड नहीं कर सकती। सवेरा इतना पढ़ ले की दई एमए कर की दई और तू एमफिल करें दी पाई एक साल बाद हो भी पूरा थी वे सी ते हुन शादी दे बारे ना सोचे से तक कटन सोचे से। दादी मैं बाबा जानी को छोड़ते कहीं नहीं मरना चाहती इस सच है। कहीं बाबा जानी दा बहाना ते कहीं पढ़ान लिखान दा बहाना नहीं करेंदी पी सच आदी पिया। देख सवेरा छोरी कहीं भी अपने घर दी नहीं बल्कि अगले घर दी होने तू जडन तक इत्था है एक मेहमान है ही घर दे दरो दीवार नाल लोगा नाल जितना चाहे प्यार कर घेन लेकिन ए गाल तय है कि ते को एक दीवार दूजे घर बनने हैं। इमे क्यों थींदे दादी? बस ए शुरू किनू इमे ही थींदा है ते इमे ही थींदा रासी। सवेरे केड़े दुख दी गाल है तेरी उम्र दे छोरी दा इतने चाहो दे चाहत नाल अपने पिया घर बनना चाहने ते एक तू है के सवेरा तो कहीं बेनाल प्यार करे नहीं है चाहती हूँ। मेरा मतलब है तेरे जहन च कोई भी है? जहन च सरमद दोनों बहु अच्छी बनी है।
यार ई मारी तो मैं भी डूब गया। उन्हें सरमत ये सारा एल्बम कदन तक मुकम्मल थी वैसी। मैं नहीं जानता यार, जै शुरू करवाए खत्म भी वो करवाई सी। ओए यार म्यूजिक दा ट्रेंड कितना चेंज थी गए। ये एल्बम मेरा जुनून है, मेरा इश्क है, ते सारा काम और इन आशकां दा कलाम। जरतान जरूर बुले सी। यार शर्मा दे कलाम दा नहीं, वीडियो दा दौर है। एक पटाखा किस्म दी वीडियो बनाओ ते तुहाड़ा गाना हिट। मिली दा फोन। यार मिली भी ना चैनल वालों की तरह हर वेले पिछू लगी रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तुहाडी होस्ट मारिया रहमान। अपने प्रोग्राम लाइब्रेरी विच तुहाडी खिदमत विच हाजिर हां। साडे अज दे मेहमान ना सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो एक कामयाब इंसान होवण दे नाल नाल खूबसूरत दिल भी रखेंदे हैं। आओ असां तक उन्हां नाल मिलवेंदे हैं। उन्हां दा नाम वैसे कहीं तारुफ दा मोहताज कोई नहीं, मिलदे हैं सैयद जिशान बुखारी नाल। हेलो शाजी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा तुहाडे कोल एक क्वेश्चन है कि अगर तुसा अपनी कामयाबी दा राज दो लफ्ज़ां च बयान करो तो कीवें करे सो? दो लफ्ज़ां च तो बहुत मुश्किल हो सी क्योंकि राज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं फोकस करा तो एक नाकाम मोहब्बत जड़ी हाली तक मैं करेंदा वदा। वाओ नाकाम मोहब्बत, क्या सर तुसा सा को दसे सो के नाकाम मोहब्बत दे पर्दे दे पिछू केड़ी हस्ती छुपी है? हस्ती दा नाम गिनण जरा मायूब थी वैसी क्योंकि उदा अपना एक घर है, जिंदगी है, लेकिन माय एक्स वाइफ आमना। क्या ठीक है बाबा को? ठीक क्या गए ना को? क्या ठीक है? क्यों ना गिदे हो औरत दा? क्यों बाबा जिक्र करें दे पेनों दा? बस बस नहीं, क्यों ना गिंदे पेन? वो जान देन कि मैं औरत नल कितनी नफरत करें दिया। आई हेट दैट वुमन, आई हेट हर। क्यों ना गिदे हो दा? रिलैक्स रिलैक्स माय स्वीट हार्ट रिलैक्स। ओ आसी ना मैं उनको समझे सा, बस मेरी थी बस, तू बस चुप करवा जा। हुन ना ना घिनसी हुंदा, बस बस। थोड़ा सामान रूम में रख देते हैं। सवेरा आई है माँ? जिशान तू अच्छी तरह नाल जानने कि सवेरा अमना दिना नाल कितना चिढ़ दिए। क्या थी गे? ते को ये भी पते कि उकु तेरा प्रोग्राम जरूर देखना है। था क्या है? अरे वो इतना शोर दे हंगामा कीते, वो इतना रोई चीखी चिल्लाई, वो रिमोट भी त्रोड़ गते। अम्मा मैं तो खुदारा छोड़ दे उन्दी मोहब्बत चाहवा भरना, छोड़ दे उन्दा ना चावना, बहु ठीक है। किथा है वो? वो अपने कमरे च उते, मेरे कोल दा नी मनी दी पाई, हुन तू जान ते तेरी धी जाने। ठीक है मारिया दा।
सवेरा डोंट टच मी। बाबा नाल को ना बोले से तू से कह नहीं मेरे बाबा बेटा प्लीज इतना ना आख बोल क्या कहा तू मेरी जिंदगी है बेटा मेरी जान है नहीं तुसा मेरे कुछ नहीं लगते तुसा मेरे बाबा कहनवे ना रहे वे तुसा सिर्फ हूं और अद्दे हस्बैंड है वे तेरे दो को 20 साल पहले छोड़ के चली गई ही मोड़ते भी कहने पूछा उन्हें कि तुसा केड़े हाल है चेवे कितना तड़पते पे हो सारी जिंदगी जी औरत दा ना गिंदे गिंदे दी रात तुसा आवा भरते रहे एक दफा एक वारी जिंदगी चुने मुड़ते तुआरे आले पासे डिठा तुआरा ना गिदा कहनी मैं आउंदी थी औरत मेरे वास्ते अजनबी है सिर्फ अजनबी इतना ना हक बेटा मां है तेरी मां कहनी हो मेरी वो एक सफाक ते बेरहम औरत है इतनी जी हम मैं छोटी जी तड़पते भी हम रोंदे भी हम ओ को मेरे हंजू भी पिघला नहीं सके हो ओ चलेगी मेरे हथाएं च मैं रोमी दर खिलौना थमा के प्लीज बेटा तू कुछ भी बोल मैं तेरे मुंह चो ये लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगा केड़ी गाल दी मैं रोमी क्या कमी है क्या चाहिदा है तेको बोल बोलो सारी दुनिया निछावर कर रहे सन तेरे ते मैं सब कुछ कुर्बान कर रहे सन तेरे ते दफा बोल तो सही प्लीज बाबा मेरे बचपन दे ओ सारीयां खुशियां जिरे मेरे कुल खास के गिन गए मैं को जाए दिन ओ सारे नहीं जाए दिन तू सा गिन के दे सकते हो कहना ना पता है क्यों क्योंकि औरत दे वने नाल तुसा खुद अंदर टूट दे पे हो बिखर चुके हो औरत तो तोरे दिल ते भी दाग लाके बन चुकी है बेटा अगर मैं उन्हें नफरत करें था, तो करें था त्रुट गया मेरे को मेरी मोहब्बत ने जिंदा रखे सलामत रखे क्योंकि तुसा बहु मजबूत है वे ही वास्ते बेटा मैं बहु मजबूत हो सा लेकिन त्रुट हुए सा अगर ते को अगर तुए आख्या कि मैं तेरा पापा कोई नहीं देख मेरे आले पासे देख बोल हूं मैं कुछ नहीं तेरा तुसा मेरे बाबा आए वे आई रियली लव यू लव यू तुसा कुछ भी आखो बाबा लेकिन मेरे दिल च वो औरत वास्ते नफरत दे लवा भी कुछ कहनी कुछ भी आखो मैं कड़ी माफ ना करे साऊ को जिंदगी भर मेको सोचन ते मजबूर ना करो तू जानदा है कि मैं अपने फैसले दिल नाल करेनिया दिमाग नाल नहीं तू अपने दिल तो पूछ ये फैसला ठीक है मेरे दिल च तो ही कई आवाज उठिंदी है
कि मैं फराज नाल मोहब्बत करेनी आ। और मैं तेरे नाल मोहब्बत नहीं करेंदा? मैं तेरी मोहब्बत दी तां गल ही नहीं करेंदी पई, मैं अपनी मोहब्बत दी गल करेंदी पई आ। तेको पता है कि मैं हमेशा कोल फराज को ही चाहती रही हूँ, एक जिद्दी ते खुदगर्ज मोहब्बत। और तू ये भूल गई कि उन्हें तेरी मोहब्बत तो मुंह मोड़ के कभी को अपना के दाई? और रिश्ता हूँ टूट चुके, सारियां तैयारियां थी गई हैं, परसों मैं डेनमार्क चली वैसा उन्दे कोल। तू नहीं मान सकती? क्यों रुके से जबरदस्ती करे से मेरे नाल? मैं कहीं जबरदस्ती की थी है तेरे नाल? सिर्फ प्यार की थे, और उन प्यार की खातिर तेको रिक्वेस्ट करना पे कि अपनी बेटी की वजह तो रुकवाई। और बस बेटा उन्हें वजना आई चली गई। बहुत बुरी औरत है ना वो? नहीं बेटा, बुरी औरत बिल्कुल कोई ना आई, अपने दिल दी गुलाम आई, जिद्दी भी आई थोड़ी जी। मेरा ख्याल है कि फराज दे नालों दी मोहब्बत भी दरअसल एक जिद आई। तुसा भी तो जिद्दी है बाबा, अज तक एक ही औरत नाल मोहब्बत करन दे आंदो। नहीं बेटा, मेरी मोहब्बत च जिद कहनी, बल्कि मेरी मोहब्बत को एक बड़ी डायरेक्शन मिल चुकी है, ये सुकून है, आराम है, ठहराव है, तलखी कोई नहीं। उन्हें कि नहीं तुम्हारे रब तक करने की कोशिश कहने की थी? नहीं, 20 साल लंघे कोई रबता कोई नहीं था। आखिरी दफा इतला मिली है कि वो फराज नाल शादी करन तो बाद डेनमार्क तो चली गई है। बाबा तो सानू जी शादी क्यों नहीं की थी? क्यों करें था मैं? जरूरत ही नहीं पई, मेरे सामने आसे पासे बस तू ही आवे। जिंदगी ते को खुश देखण दी खुशी च गुजरदी पई आई, हिमासे के बई खुशी दी लोड़ी कोई ना आई। अच्छा बेटा हुन सम तुसा समारियो। बेटा हुन तू वड़ी थी गई, हुन ये ना आके के लोरी सुनावा। बाबा प्लीज। बस कुछ इवें ही है, अपने मन की मौज छरावण वाली, हर फैसला अपने दिल नाल करेंदी आई और वल अपने फैसले ते अड़वेंदी आई। फिर तो को कि नहीं बुरा नहीं लगा? नहीं, मेरे को ही वास्ते बुरा नहीं लगया कि मैं जिंदगी को मोहब्बत की नजर नाल देता हूं। मैं कहीं ख्वाहिश तो महरूमी दी बिना ते कहीं नल नफरत नहीं करेंदा, और आमना नल तो मैं नफरत बिल्कुल ही नहीं कर सकता। आमना नाल तो मैं नफरत बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ही वास्ते कि उन्हें मेरे को जिंदगी दी बहुत बड़ी खुशी दीती है, मेरी बेटी दीती सवेरा।
देख हमना प्लीज रुको अन सवेरा दी तबीयत ठीक कोई नहीं तू अपनी ख्वाहिश नाल ही को अपने कोल रखे वी हुण ओ तेरी जिम्मेदारी है मेरी नहीं सारे प्यार दी निशानी भी है अगर मेरे कोल ना रावे तां जरा सोच ते सही क्या बची मेरी जिंदगी च ए मोहब्बत दी निशानी अगर बोझ बन वने कडई ते इकु वापस लौटा देवी मेरे वास्ते तेरे दिल च कोई जगह कोई नहीं ये प्यार दी निशानी को किथे रखे से मैं इकु आयशा आपा दे पासे छोड़ वे सा नहीं आपना मैं ये नन्नी जी बाल को रिश्तियां दे जंगले च भटकन ना देसा मैं इकु अपने कोल रखे सा ये मेरी धड़कन है मैं इकु अपने दिल तो जुदा नहीं कर सकता देख प्यार भरी दुनिया को बर्बाद थे वन तू बचा गेन प्लीज मेरी खातिर नहीं था अपनी बेटी दी खातिर रुकवाई मैं इत्था खड़ी जरूर हां लेकिन मेरे कदम हुन बहु अगू चले गए वापस पलट के आवना मुमकिन क्या नहीं इन्हें विच डिवोर्स दे पेपर से अगर तू मेरे को कहीं गुनाह तो बचाना चाहने तो जल्दी आजाद कर दे मेरे को अमना रुक वन सवेरा ते को सरेंदी पई है रोंदी पई है बिलकती पई है रुक वन प्लीज मैं हाले नहीं रोक सकती पलट गई तो किथे ही ना वाई सकसा मेरे को वंजन दे ना रोक मेरे को सवेरा बेटी मेरे को माफ कर दे मेरे को माफ कर दे मैं तेरी मुचरी मां तेरी सदावां दी मुचरी मां तेरी गल्लां ते वावण आलियां हंजुआं दी मुचरी मां क्या करां मेरे कोल बहुत वड्डी भूल थी गई है मैं तेरे तड़पदे हुए वजूद और ते सड़ेंदे हुए बाहों को भूल गई क्या कीता मैं कैसी पत्थर दिल हामी कैसी पागल माफ कर दे मेरे को मॉर्निंग ए तेरी मॉर्निंग है आई एम सो सॉरी दादो थोड़ा लेट सोते हम ना बाबा नाल हम चलो शुक्र है ते कुछ सुकून दी गहरी नींद दाई जी दादी बाबा ने सुमारी ताई देवल खुद किथे है आंदे हो सिन दादी तुसा दुहाने नाश्ता लेट करा दीते दादी मैं चेंदी भी हम के हुन शादी थी मिलनी चाहिदी है यो तो मैं अधियां अल्लाह दा शुक्र है कि ते को एहसास थी गए एहसास तो मैं को बहु पहले थी गई दादी लेकिन रात को बाबा नाल गाल गुड मॉर्निंग लेडीज गुड मॉर्निंग तुसे नाराज तो नहीं नहीं दा मैं दा बहु खुश आज अच्छा नाश्ता तोरा लेट थी गए कोई गाल नहीं वल भी खुश हो बहु खुश हां चलो आज तक ब्याह भी खुश कर देने हैं किवे ब्रंच किते वेने हैं बहर ब्रंच च ठीक है गोल्डन फ्राइड रैक रैक्स दादी सर सर शमसुल हक साहब ओ माय गॉड तुम्हारे चाहते हैं तो नाश्ता करके बुलाओ ना को यार आंधे पे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह बाबू क्या हाल है तेरा बाबू प्लीज शुक्रिया मदा फिराज जी शान तो आकू
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਥਈ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸਨ, ਹੈਰਤ ਤਾਂ ਥਈ ਏ, ਖੈਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਥੇ? ਬਈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਆ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਬਹੁ ਡੀਂ ਥੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਡਿੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨੂਰਾਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਡਿਆ ਡਿੱਠਾ ਹਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲਾਂ ਵੜ ਗਏ। ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਅੱਲਾਹ ਇਜ਼ੋ ਜਲ ਨੇ ਸਾਕੂ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੀ ਹਯਾਤ ਫਾਨੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰਾ ਜੀ? ਓ ਬੇਗਮ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੈਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਮਾਲ ਕਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਏ, ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਰਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਫੌਜ ਵੀ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਜਮਲ ਹਸਨ ਕਿਆ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਅਰੇ ਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਕੋ ਯੂਰਪ ਭੇਜੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਗਿਣਨਾ ਹੈ? ਅਰੇ ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਬੇਰਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸਨ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ ਬਿਰਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸਵੇਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰਾ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ? ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸਨ ਤੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਖਤਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ੇਬੇ ਤਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਭੋਸ਼ਣ ਰੱਖ, ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਨਤ ਕੋ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਵੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਦੂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਏ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਦੇ, ਕਹੀਂ ਕੋ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਦੇ,
ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੇ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ। ਓਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਈ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਥਾਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮੋ ਚਰਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਵੰਜਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਯੂਬ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਦਫਨ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਕੱਢ ਤੇ ਕਿਤਾ ਗਿਣ ਕਿਵੇਂ ਸੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਛੋਹਰਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਬਣ ਕੇ ਵੰਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹੂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਪੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਬਾਕੀ ਕਹਿਣੀ, ਬੇਹਯਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਯਕੀਨਨ ਤੇਰੀ ਰੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਵੀ ਆਈ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸਨ,